जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो सभी बच्चों? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई पे जबरदस्त ध्यान भी दे रहे होंगे। तो आज क्या, आज है आपका इंग्लिश का सैंपल पेपर। इकोनॉमिक्स का तो आपने देख लिया। अब कई बच्चों के सवाल ये भी आते हैं कि इंग्लिश का पेपर इस बार का कैसा आएगा और किस तरीके से उसे हैंडल करना है। तो इंग्लिश का पेपर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह इन द सेंस का मतलब है कोविड से पहले जो सिचुएशन हुआ करती थी कि इसके अंदर पहले आपके पैसे जाते थे, फिर उसके बाद नोटिस आता था, फिर जंबल वर्ड्स आते थे, फिर आपकी ग्रामर आ जाती थी, उसके बाद आपका लिटरेचर यानी कि क्वेश्चन आंसर आते थे। वही सारा का सारा पार्ट आपका इस बार भी है और उसे जो समय दिया गया करने का 2 घंटे का है आपका, ठीक है, और 40 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, ठीक है। आराम से करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आराम से करो हो जाएगा, नहीं, पढ़ना भी बहुत जरूरी है और इंग्लिश का पेपर भी बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज नहीं है, आपको पता है अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है, समझना आता है ना, तो ये आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है ना किसी चीज को लेकर के, तो उसको बेहतर तरीके से कर पाता है ना। तो इंग्लिश का काम बेसिकली वही है। अदरवाइज भाषा तो हमें हिंदी भी आती है लेकिन इंग्लिश भी एक भाषा के रूप में, लेकिन इंग्लिश भाषा के साथ साथ हमें कॉन्फिडेंट देती है, एक नया जोश देती है और बेहतर करने का। सो इंग्लिश को भी पढ़ना बेहद जरूरी है, ठीक है। आने वाले एनवायरमेंट में आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चलो वो चीज बात की बात है, पहले आप जो हम लेकर के आए वो चीज समझते हैं, राइट। टर्म सेकेंड है हमारा, कोड हमारा ये पता चल चुका है 2021-22 का एग्जाम का। ये आगे शुरू करते हैं। अब कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, 3 सेक्शन है इसके, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। अब राइटिंग एंड ग्रामर एक साथ है, लिटरेचर आपका अलग है, इसलिए आपको 3 सेक्शन दिया गया है। रीडिंग में क्या है, हमें पैसेज को पढ़ना है और उसके बेस पर जवाब देना। राइटिंग एंड ग्रामर में क्या होगा, राइटिंग में आपका लेटर लिखने का आ जाएगा, ग्रामर में आपका जनरल वर्ड्स और लिटरेचर में आपके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। अब जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर दिए गए होंगे ना उसी के बेस पर हमें जवाब देना है। तो चलिए सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं। 13 मार्क्स आपको दिलाने वाला सेक्शन ए, तो इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, 40 में से 13 मार्क्स आपके सेक्शन ए दिलाने वाला है, तो बेहद सलीके से और समझते हुए इसका जवाब देना है। अब तरीका क्या होता है कि हमारे पास अगर पैसे जा जाए तो उसका जवाब हम कैसे दें। देखो बच्चों, जब मैं अपने लेवल पे था, जब मैं एग्जाम देता था, तो मेरा तरीका तो ये होता था कि मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ता था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं पैसेज पे ध्यान देता था। ऐसा इसलिए करता था क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये पता चल जाता था कि इस पैसेज के अंदर वो पार्ट कहाँ से उठकर पूछा गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले पैसेज को क्लियर कर लेते हैं पूरा का पूरा एंड देन क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दोनों तरीका गलत नहीं है, दोनों तरीका बेस्ट है, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी स्पीड ज्यादा सही से बैठ सकती है, आप उस पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपको साथ ही साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है, जब भी पैसे इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो आपको पूरा पूरा सेंटेंस बड़ा रूप में नहीं लिखना है, इसका छोटा सा भी आंसर होता है और बड़ा भी आंसर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेंटेंस फॉर्मेट करके ही आपको लिखना है। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल आइडेंटिफाई। अब जो वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर है त्योहार, वो आइडेंटिफाई करता है, प्रमोट करता है, सेलिब्रेट करता है बुक्स, ऑथर, कन्वर्सेशन एंड वेरियस कल्चर एक्सप्रेशन ऑन दी एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के ऊपर बात चल रही है, ये ध्यान देना। ये जो बातें कही गई है ना कि जो आपका ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल है जिसे हम कहते हैं GLF, तो आपका जो GLF है ये आइडेंटिफाई करता है, प्रमोट करता है, सेलिब्रेट करता है बुक्स, ऑथर, कन्वर्सेशन एंड वेरियस कल्चर एक्सप्रेशन ऑन व्हाट, ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ऊपर ये आपका कार्य करता है कौन, ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। आगे कह रहे, देयर हैज बीन एन एक्सप्लोजन ऑफ राइटिंग ऑन नेचर सेज बहर दत्त। बहर दत्त ने कहा, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वेल नोन वॉइसेस फॉर द एनवायरमेंट। अब बहर दत्त कौन है, भारत के एक महान और एक ऐसे शख्स हैं जो कभी ना कभी वातावरण पर, पर्यावरण पर बोलते ही रहते हैं, अच्छी चीजें कहते हैं भारत को लेकर के। शी वॉज टॉकिंग एट अब पैनल डिस्कशन ऑन राइटिंग ऑन एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया, मतलब वो बोल रही थी
एक पैनल के डिस्कशन पर कि भारत के अंदर ना एनवायरमेंट के ऊपर लिखा जाना चाहिए, एनवायरमेंट के ऊपर लोगों को बताना चाहिए, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एट द ऑनगोइंग ग्रीन लीट फेस्ट। एवरी सेकेंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी, शी एड्स। यानी कि एक तरीके से उन्हें एड के रूप में ये चीज बताई कि हर सेकेंड जो व्यक्ति होता है ना सोशल मीडिया पर नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, इकोलॉजी या इकोनॉमी के बारे में लिखता है। आगे बता रहा आपका, अभी जो है ना आपका GLF, तो GLF क्या है आपका, ये आपका ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल को शॉर्ट फॉर्म में GLF लिखा गया। तो कह रहा है द GLF कंसीव्ड बाय बेनेडिक्ट परमानंद। अब बेनेडिक्ट परमानंद एक व्यक्ति है, कौन है, ही इज द फाउंडर ऑफ ई मैगजीन सस्टेनेबिलिटी नेक्स्ट डॉट इन। इसके कौन है, फाउंडर है। और ये क्या, एक मैगजीन है, इज अ प्लेटफॉर्म डेट अटेम्प्ट टू एनरीच एंड नर्चर एज मैनी यूजफुल डिस्कशन एज पॉसिबल ऑन मैटर्स ऑफ इंडिया इकोलॉजी। यानी भारतीय पारितंत्र के बारे में जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा डिस्कशन करते हैं जो उसको नर्चर करने के लिए, एनरीच करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे लिखते हैं द आइडियाज इज टू मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन ऑन एनवायरमेंट। यानी कि जो आइडिया है वो पर्यावरण के जो बातें लिखी जाती है, बोली जाती है, महत्व देने का कार्य करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ऐसा बेनेडिक्ट ने कहा। वी हैव बुक्स ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज बट नॉट मच। मतलब हमारे पास एनवायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर बुक्स तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है, कन्वर्सेशन ऑन द टॉपिक्स, यानी जो टॉपिक्स में दिए गए हैं उस पर कन्वर्सेशन पर्याप्त नहीं है। दिस इज द स्पेस फॉर डायलॉग ऑन एनवायरमेंट राइटिंग एंड इश्यूज, आ स्पेस फॉर दोज हु केयर फॉर द प्लैनेट टू हैंग आउट। यानी कि वो स्पेस जो उस धरा की या उस ग्रह की केयर करते हैं और भाई उसको यूज कर सकते हैं एक तरीके से। वी एनविजन ग्रीन लिटरेचर इन वाइडर सेंस। यानी कि हम ये सोचते हैं, ये विजन करते हैं कि जो ग्रीन लिटरेचर ना बहुत बड़े रूप में इसका एक अर्थ है, ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन नहीं है, नहीं किताब, बट ऑल्सो चिल्ड्रंस लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा एंड कॉमिक्स, सेज मेघा गुप्ता हु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाउंडिंग टीम ऑफ GLF। यानी कि मेघा गुप्ता कौन है, वो भी GLF की फाउंडर है, मतलब एक तरीके से पार्ट है जिन्होंने मदद की है उनके साथ मिलकर के GLF को फाउंड करने में, तो उनका ये कहना था। आगे कहते हैं कि वी आर क्रिएटिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन, अडल्ट एंड ग्रीन बिजनेस। मेघा इज द ऑथर ऑफ अ होम ऑफ आर ओन एंड अनअर्थड एन एनवायरमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसे हम पेंगुइन कहते हैं। तो मेघा जी ने एक लेखक हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये चीज लिखी भी है। क्या लिखी है, अ होम ऑफ आर ओन एंड अनअर्थड एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये किताब आपको भारत के पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताती है और बेसिकली एक अपना जो घर होता है उसको किस तरीके से रखना चाहिए ये चीज इसके अंदर सिखाई गई है। आगे बताते हैं, तो सुनिए ये समझ में आ रहा होगा ना आपको, मुझे उम्मीद है कि जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके पास पैसे जाए तो उस पैसे को किस तरीके से पढ़ करके हैंडल करना है, उसका जो एक एक पॉइंट है ना आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और उसी में से क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपको जवाब देना होता है। तो चलिए मैं प्रश्न की तरफ चलता हूँ, ये दो तीन पैसे जो और हैं आपके पास, अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्चुअल ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। अब जो GLF ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल है उसका वर्चुअल रोल क्या है ये बताना है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, वो आइडेंटिफाई करता है, प्रमोट करता है, सेलिब्रेट करता है बुक्स, ऑथर एंड कन्वर्सेशन इन वेरियस कल्चरल एक्सप्रेशन ऑन द एनवायरमेंट। तो बेसिकली ये कार्य मतलब ये रोल निभाने का कार्य करता है आपका ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाई डू यू थिंक बाहा सेज एवरी सेकंड पर्सन ऑन सोशल मीडिया इज राइटिंग ऑन नेचर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड द इकोनॉमी। बाहा ने कहा कि प्रत्येक सेकंड जो व्यक्ति होता है सोशल मीडिया पर नेचर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, इकोलॉजी के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में लिखता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, ये सवाल का जवाब जानना चाह रहा है आपसे।
सिंपल सी बात है, वो इसलिए ऐसा है ताकि वो समाज में अवेयरनेस को फैला सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसके महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को लोगों को बता सकें कि व्हाई एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इफ इट इज देन वी आर। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, राइजिंग अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा गया। थर्ड क्या कह रहे हैं, हाउ डज बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट क्या था, वही पर्सन जिसने मैगजीन की फाउंडर माना जाता है। ठीक है, हाउ डज बेनेडिक्ट प्लान टू मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन ऑन एनवायरमेंट, यानी कि कैसे बेनेडिक्ट ने प्लान किया कि एनवायरमेंट के ऊपर महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। तो किसके थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ, तो ये सब पॉसिबल हुआ आपका ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में, जिसका कार्य क्या था, बेसिकली इसका कार्य ही यही था कि ये प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, और सभी को इससे जुड़ करके अपने एनवायरमेंट को बचाने की तरीके से पहल करना चाहते हैं। सो इस वजह से ये जो सारी चीजें हो सकती है वो GLF की हेल्प से हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, हम कह सकते हैं थ्रू GLF, GLF या विद द हेल्प ऑफ GLF। फोर पॉइंट कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल हैंग आउट इन GLF, यानी कि ग्रीन लिटरेचर फेस्टिवल में कौन से व्यक्ति हैंग आउट कर सकते हैं। तो वही व्यक्ति कर सकते हैं जो प्लेनेट की केयर करते हैं, उसी को अधिकार है ना उसको जीने का, है ना। अगर आप अपने घर में सही तरीके से रह रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, तो आपका अधिकार है उस घर में रहने का। तो वैसे ये जो पृथ्वी है, ये देश है, जहां आप रहते हो, वो जगह है, वो आपका स्थान है, उस स्थान को बेहतर बनाने का वर्क आपका है। अगर आप उसको बुरा बनाओगे तो उसके प्रभाव आप पर ही दिखेंगे, किसी और पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप वहां पर रहने वाले हो। तो सिंपल सी बात है, उसको और अच्छा बनाओ, उसको खूबसूरत बनाओ, क्योंकि उसकी खूबसूरती से आपकी खूबसूरती भी तो बढ़ेगी ना। तो जहां हम निवास करते हैं, वहां के पर्यावरण को बेहतर बनाने का कार्य आप लोगों का ही है। पांचवा क्या कह रहा है, व्हाट इज द विजन ऑफ मेघा गुप्ता। अब मेघा गुप्ता का विजन क्या है, हमें ये बताना है। तो हमने पढ़ा था मेघा गुप्ता की क्या करना चाहती है, ग्रीन लिटरेचर इन अ वाइडर सेंस, नॉट जस्ट फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड बुक्स, बट ऑल्सो चिल्ड्रंस लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा एंड कॉमिक्स। यानी कि केवल फिक्शन नॉन फिक्शन के बारे में नहीं, किताबों के बारे में नहीं, बल्कि बच्चों के लिए लिटरेचर हो गई, पोएट्री होगी, ड्रामा कॉमिक्स हो गए, उस चीज को भी देख कर ही चलती है। सिक्स कह रहा है, इज GLF गोइंग टू बी अ सिंगल इवेंट, हाउ, मतलब क्या जो GLF है एक सिंगल इवेंट है, अगर है तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे। तो जवाब है इसका नो, क्यों, बेसिकली अ ईयर लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स, क्योंकि ये केवल एक इवेंट नहीं है जो GLF, ऐसा नहीं कि उसने आज एक जगह साफ सफाई कर दी, लोगों को अवेयर कर दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है, केवल एक सिंगल इवेंट नहीं है। अगला क्या है, सेवन क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टेक्स एन एज इन दी डिकोटोमी ऑफ इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। डिकोटोमी का मतलब होता है द्विविभाजन, यानी कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के द्विविभाजन में कौन आगे बढ़त लेगा, तो इसका सही जवाब है आपका इकोनॉमी। हम जब भी पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, तो आज के समय में पर्यावरण पर ध्यान कम ही दिया जाता है, अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान लोग ज्यादा देते हैं। आप अमेरिका का देख लो, वहां के पर्यावरण पोल्यूशन वहां बहुत ही बहुत मात्रा में, चाइना का देख लो, यहाँ भी पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में, पर फिर भी इन जैसे जो देश है ये इकोनॉमी में कहीं ज्यादा आगे है। तो इन दोनों के द्विविभाजन में इकोनॉमी बाजी मार जाता है। आठवां कह रहे हैं, हाउ हैज द COVID-19 पेंडेमिक ब्राउट टूगेदर डॉक्टर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, यानी कि कैसे COVID-19 पेंडेमिक ने डॉक्टर को, एनवायरमेंटलिस्ट को और जर्नलिस्ट को साथ लाके खड़ा कर दिया। तो बेसिकली ये समय की बात है, समय समय पर जो चीजें लगती है ना कि ये नहीं हो सकती, उसका समय आने पर वो चीज पॉसिबल हो जाती है। सो वी कैन से टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन क्राइसिस। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ विजुअल, विजुअल की क्या शक्ति है। आपको पता है ना कि मान लीजिए कि अभी आप मुझे नहीं देख रहे हो, ठीक है, जो चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप इसे भी नहीं देख रहे हो, सिर्फ आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो मेरी आवाज में सुनने पर ऐसा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, आएगा, काफी कुछ समझ में आएगा,
लेकिन जितना आप देख करके आएगा उतना नहीं आएगा। तो ये पावर है विजुअल की, क्योंकि जो चीजें हम देखते हैं और सुनते हैं वो चीजें हमें ज्यादा दिनों तक और अच्छे से याद रहती है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअल। सो वी कैन से विजुअल कंटेन इंफॉर्मेशन इज अब्सॉर्ब्ड फास्टर बाय ब्रेन एज कंपेयर टू अदर स्टिमुली। ठीक है, सो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ है, और हमने 13 क्वेश्चन में से, मतलब 13 मार्क्स का था, उसमें से हमने क्वेश्चन कितने किए? 9 क्वेश्चन किए। अब 9 क्वेश्चन किए, इसका मतलब कितने मार्क्स हमें मिल गए? 9 मिल गए। बिल्कुल, यहाँ पे हमें जो मिले हैं 8 मार्क्स मिले, या हाई क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें क्या करना है, हमें इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इसके बेस पर हमें आंसर देना है। ठीक है, अब आंसर क्या देना है, क्वेश्चन को समझते हैं। तो पैसेज तो ये देख लो भाई, एक पैसेज में पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ाऊंगा तो समय मिल जाएगा। हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाह रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक नोट्स, हमें नोट्स बनाने हैं। ऑन इट यूजिंग हेडिंग सब हेडिंग, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रीविएशन वेरेवर नेसेसरी, ऑल्सो सजेस्ट द सुटेबल टाइटल। तो इतना सब कुछ, उतना सब कुछ बता ही दिया कि किस तरीके से तैयार होता नोट। तो बहुत सिंपल है नोट मेकिंग, जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले टाइटल आएगा, यहाँ पे तरीका क्या होता है, सबसे पहले टाइटल आएगा, टाइटल के बाद यहां पर आएगी आपकी हेडिंग। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगी सब हेडिंग। ठीक है, और इन्हीं हेडिंग और सब हेडिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं, एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन क्या होता है, एब्रीविएशन किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि कंप्यूटर है, यहां लिखा मैंने कंप्यूटर, अब मैं कंप्यूटर ना लिख करके मैं COMP लिख करके डॉट लगा दूंगा। ठीक है, फिर एक एब्रीविएशन की बनाऊंगा बॉक्स के अंदर, यहां लिखूंगा एब्रीविएशन की। ठीक है, अब यहां लिखूंगा पहले कॉम, फिर आगे निशान डालूंगा, फिर इसमें डाल दूंगा पूरा का पूरा कंप्यूटर। इस तरीके से कम 4 से 5 एब्रीविएशन का हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, जो पैसेज हमने पढ़ा है ना, उस पैसेज में आप ये देखने की कोशिश करो कि बात किसकी कर रहा है, किस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इमेजिन अ स्पेस वेयर यू कैन पोर आउट योर ट्रबल्स कंप्लेंट्स ग्रीवियंस एंड एनीथिंग दैट इवन रिमोटली बॉदर्स यू, दैट्स हैपनिंग फॉर यू। इट्स एन ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस वेयर टीनेजर बिटवीन 13-18 ईयर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली टू अ टीम ऑफ हेल्पर हु विल लिसन। एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक निकलेगा, नहीं, बहुत सारे टाइटल निकल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइटल को सेलेक्ट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग हेडिंग सब हेडिंग बनाते चले जाना। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, इमेजिन ए स्पेस वेयर यू कैन पोर आउट योर ट्रबल। ये स्पेस में हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा स्पेस महसूस करें जहां पर आप अपने ट्रबल को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने कंप्लेंट्स को, अपने ग्रीवियंसेस को, या कोई भी ऐसी चीज जो आपसे बहुत दूर है और आपको दिक्कत दे रही है। ठीक है, दैट्स हैपनिंग फॉर यू। इट्स एन ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस वेयर टीनेजर बिटवीन 13-18 ईयर्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली टू अ टीम ऑफ हेल्पर हु विल लिसन अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू से एंड सपोर्ट देम। तो यहां पर मैं टाइटल ले सकता हूँ इमेजिन ऑफ अ स्पेस या इमेजिन अ स्पेस, मैं यही टाइटल ले सकता हूँ पहला वाला ही। अब इमेजिन स्पेस ले लिया, अब इसी के बारे में बताया गया ना कि हमें ऐसा स्पेस महसूस करना है जिसमें ये सारी चीजें होंगी, तो फिर आगे क्या ले, तो हम आगे ले लेंगे बॉड। मैंने टाइटल डाल दिया, ठीक, ये मेरा आ गया टाइटल। अब हेडिंग में क्या आ जाएगा, हेडिंग करूंगा पहले में 1, फिर इसके आ जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, ये मेरी हेडिंग होगी और ये मेरी सब हेडिंग होगी। तो हेडिंग में कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि, और यहाँ ध्यान रखना नोट मेकिंग की खासियत ये थी, इसमें सेंटेंस नहीं बनाना होता है, आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स एन ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस, ये हम ये ले सकते हैं, इट्स ऑनलाइन पीयर काउंसलिंग सर्विस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बिटवीन में जो चीजें आ रही ना, टीनेजर बिटवीन 13-18 ईयर्स, ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली टू अ टीम, ठीक है, लिसन अंडरस्टैंड, ठीक है, सपोर्ट देम, बस इस तरीके से आपको बनाना होता है।
तो बेसिकली जो नोट मेकिंग होता है ना बच्चा, वो बहुत इजी होता है। आप बस एक बार ध्यान से देख लोगे ना, इजीली बना लोगे, और एक तरीके से फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं। अब आगे क्या बोला, अब नोट मेकिंग बनाने के बाद हमें जो करना है, जो नोट मेकिंग हमने बनाई ना, उसी शब्दों का इस्तेमाल करके एक समरी तैयार करनी है। और वो समरी कैसी होनी चाहिए, जितना अभी हमने पैसेज पढ़े ना, उसमें वो केवल 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 शब्दों में ही अपनी पूरी कहानी को खत्म कर देना है। हम ये कह सकते हैं हमने पूरी पूरी 3-2.5 घंटे की मूवी देखी, लेकिन 2.5 घंटे मूवी देखने के बाद जब हमारे दोस्त पूछता कि क्या क्या हुआ, तो क्या हम पूरा डिटेल में बताते हैं? नहीं बताते ना। उसमें जो मेन मेन चीजें होती है, मेन मेन करेक्टर होता है, जिसको आपने एंजॉयमेंट लेने एंजॉयमेंट लेकर के देखा था, वो ही उसको आप डिस्क्राइब कर देते हो। बिल्कुल उसी तरीके से इस पैसेज के साथ भी करना होता है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और पूरे पूरे मार्क्स यहाँ पर पक्के हो जाते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका राइटिंग एंड ग्रामर। अब राइटिंग एंड ग्रामर का पार्ट आ गया, तो इसमें लेटर वगैरह वाला पार्ट होगा, राइट? लेट्स सी व्हाट इज इन दिस। थर्ड कह रहा है ड्राफ्ट अ सुटेबल पोस्टर। हमें पोस्टर बनाना है बच्चों, तो पोस्टर तो हम बचपन में बड़े बनाते थे, तो यहां पर इस तरीके से हम एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब आगे बोल क्या रहा है, कोविड अप्रोप्राइट बिहेवियर। अब कोविड अप्रोप्राइट बिहेवियर के बारे में हमें क्या बनाना है, पोस्टर बनाना है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की बिहाफ पर है, और वो 50 शब्द से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कोविड अप्रोप्राइट बिहेवियर हम यहाँ लिख देंगे ये पूरा का पूरा, ठीक है, ब्रैकेट में कैप भी लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, आगे हम ये लिख सकते हैं कि कोविड के बारे में बताना है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखनी है जो मोदी जी कहते हैं, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, ठीक है, 2 स्क्वायर मीटर फार अवे। इसके अलावा क्लीन योर हैंड, वेयर मास्क, और यहाँ पे चित्र बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे चित्र बना देंगे किसका, मास्क का। देखो भाई ड्राइंग आती है लेकिन अभी मन नहीं करवाने का, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ, तो भाई प्लीज कुछ मजाक मजाक में उड़ा देना यार हमारा। ठीक है, ये मास्क हो गया। ठीक है, मास्क बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक सैनिटाइजर बना देंगे। ठीक है, एक सैनिटाइजर बना देंगे, यहाँ बटन दबा, यहाँ पे गिरा बूंद और हाथ धो लिया। ठीक है, उसके अलावा 2 गज 2 गज की दूरी भी बता दी हमने, वेयर मास्क कह दिया। ठीक है, साथ में सैनिटाइजर लेके घूमना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने ही है, फॉलोज द नॉर्म्स। ठीक है, फॉलो द नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब नियम कानून होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पे मास्क बना दिया, फिर चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फिर पे सैनिटाइजर बना दिया। बस ये दिखने में अच्छा भी लगना चाहिए, और जो पॉइंट आपने लिखे ना, उस पॉइंट से लोगों को पता चलना चाहिए कि बताया क्या जा रहा है इसके बारे में। बस जब सब कुछ समझ में आ रहा है लोगों को, तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये भी आपके फिक्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करें, हमें 2 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से कोई एक करना है, पढ़ लेते हैं भाई क्या दिया है। ये कह रहा है हम एक ही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं देखेंगे, हम एक ही करते हैं। यू आर राजन रजनी हेड बॉय। ठीक है भाई, मैं बॉय हूं तो मैं हेड बॉय हो गया, मेरा नाम राजन हो गया। ठीक है, रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल इन राइटिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th। गिव डिटेल रीजन टू सपोर्ट योर डिमांड, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ द लेटर विच इज 120 to 150 वर्ड्स। अब हमें क्या करना है, हमें इतना तो समझ में आ चुका है इससे कि हमें एक लेटर लिखना है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश, दिस इज आवर सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्लास 11th एंड 12th के लिए लिख करना है, तो ये अपने बॉडी में डाल देंगे। तो बेसिकली फॉर्मेट होता है क्या लिखने का, हमें पता है प्रिंसिपल लिखने है, तो पहले जो 2 का फॉर्मेट था अब वो हट चुका है, अब द से यूज करते हैं, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा, XYZ। अब XYZ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो भी स्कूल का नाम है वो स्कूल लिख देंगे, फिर यहाँ पर उसका पता आ जाएगा, जो भी पता है उसका वो पता आ जाएगा। पता आने के बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, या फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, आप यहां तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
सब्जेक्ट लिखने के बाद हम रिस्पेक्ट देंगे टीचर को, तो रिस्पेक्टेड ये हमारा सैल्यूटेशन होता है, रिस्पेक्टेड सर, फिर कोमा, उसके बाद हम अपने बारे में पहले बताएंगे, अब मैं कौन हूं, मैं हूं राजन और क्या हूं, हेड बॉय, तो लिखूंगा आई एम राजन, ठीक है। इसके बाद इंस्पेक्टर सर के बाद जो आएगा वो बोल रहा हूं, आई एम राजन ऑफ क्लास, जो भी मेरी क्लास होगी ट्वेल्थ होगी तो ट्वेल्थ लिखूंगा ट्वेल्थ, एंड हेड बॉय ऑफ द स्कूल, अब उसके बाद लिखने के बाद क्या लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा कि सर, सिंपल स्पेशल में मैं समझाना चाह रहा हूं, हम उसमें ये बताना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, सो वी कैन से सर स्टूडेंट्स आर फेसिंग इश्यूज और प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश, दे डिड नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द सेम, सो वी रिक्वायर एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट एंड वी नीड रिविजन फॉर इंग्लिश बिकॉज एग्जाम आर कमिंग, क्योंकि एग्जाम हमारे आ रहे हैं तो हमें क्या एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, वीक बच्चों के लिए जरूरत है, हमें रिविजन भी चाहिए, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखकर के पॉइंट्स में डालोगे ना बच्चों, तो वहां पर आपको फायदा मिलता है, इसीलिए जरूर डालना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, डालने से आपको जरूर फायदा मिलता है। साथ ही समझ सकते हैं हमारा जेन्युइन रीजन क्या है कि लो परफॉर्मेंस है हमारी इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एग्जाम में स्ट्रेस भी हमारे पर बहुत ज्यादा है, और इस सब सारा का सारा चीज हम किस पे कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट की डिमांड पे कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड पे नहीं कर रहे, सारे स्टूडेंट की डिमांड पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पूरा बॉडी लिखने के बाद लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे क्या, हम ये लिख सकते हैं कि काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम टीचर से, सो काइंडली प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा क्लासेस इन इंग्लिश सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड अचीव द मार्क्स एज वी वॉन्ट, जैसा मार्क्स हम चाहते हैं वो हम पा सकें। इसके बाद हम लिखेंगे आई हाईली ऑब्लाइज ऑफ योर दिस एक्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी, क्योंकि हम स्टूडेंट है, उसके बाद नाम, आपका क्लास, डेट, काम खत्म। सो इस तरीके से आपका लेटर का फॉर्मेट तैयार हो जाता है और आपको अब अंदाजा लग गया है कि किस तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया गया एग्जैक्टली यही आ जाएगा, नहीं, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ और आ जाए, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया ना, फॉर्मेट आपका वही रहेगा सारा का सारा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं पांचवा, अब पांचवा क्या है, तो इसके अंदर हमें रीअरेंज करना है, मतलब ये हमारे क्या जंबल वर्ड्स हैं, अब इस जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करना है, तो इसमें तो बड़ा मजा आने वाला है, एक गलत उत्तर पूरे एक मार्क्स ले लेगा अगर एक भी सेंटेंस या एक भी वर्ड आपका इधर उधर बैठ गया तो। अब चलिए समझते हैं सबसे पहले कहना क्या चाह रहा है, क्राउडेड रेलवे प्लेटफॉर्म लास्ट संडे द वाज अनयूजली, अब यहाँ पे वाज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या पास्ट टेंस है, अब पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, ठीक है, यानी कि पहले हम वाज और वर लगाएंगे, वाज या वर आएगा, फिर आपका आएगा वर्ब, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, अब देखो वाज वर्ब का जब यूज होता है ना, तो कई बार वाज वर्ब का यूज होता है तो वहां पर हम आई एन जी का भी यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे वो खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कई बार सेंटेंस ऐसा होता है जहां पर आई एन जी का यूज नहीं होता, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। अब कैसे समझते हैं, सबसे पहले हमें पता है सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी की जा रही है, तो यहाँ पर जो क्राउडेड है वो कहाँ पर है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ना, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द आ जाएगा, जो कि इसको विशेष अंकन करता है, विशेष अंकन करता है, इसलिए पहले द आ जाएगा, तो द रेलवे प्लेटफॉर्म अनयूजली क्राउडेड, अब अनयूजली क्या है, अनयूजली एक एडवर्ब है, तो वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब का यूज किया जाएगा, सो वी कैन से द रेलवे प्लेटफॉर्म वाज अनयूजली क्राउडेड लास्ट संडे, यानी कि पिछले सप्ताह, यानी कि पिछले संडे को
जो रेलवे प्लेटफॉर्म था वो बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ठीक है, तो पहला हमारा द आएगा, फिर रेलवे प्लेटफॉर्म, फिर आपका वॉज, फिर अनयूजली क्राउडेड, एंड देन आपका लास्ट संडे जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला वेंडर्स कैरिंग वर एट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर द प्लेटफॉर्म। तो ये तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दे देंगे। और दो सुना करो एक चीज और, कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए ना, पहले खुद से ट्राई किया करो, आपको ये इससे अंदाजा लग जाता है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो और कहाँ कहाँ गलतियां करें। और जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा तो आप उसको ठीक करोगे, तो इससे बेनिफिट किसे होगा, सिर्फ आपको होगा। ठीक है ना बच्चों, सो इस चीज का जरूर ध्यान रखा करो। ठीक है, क्या था हमारा, वेंडर कैरिंग वर एट स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमारा वेंडर है। क्या कह रहा है, वेंडर कैरिंग मतलब होता ले जाना, स्वीट स्मेलिंग फ्लावर यानी स्वीट स्मेलिंग फ्लावर को ले जा रहा है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सो वी कैन से वेंडर कैरिंग स्वीट स्मेलिंग फ्लावर कहां पर, वर एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर से। सो वेंडर कैरिंग स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स वर एट द प्लेटफॉर्म। सो इस तरीके से आपका ये अरेंज हो जाता है। थर्ड क्या कह रहे हैं, द ट्रेन हाउ दे बी वॉन्टेड वुड गेट ऑन। अब इसमें इस समझ में ये आ रहा है कि यहां पर कोई चीजें ऐसी बात की जा रही है जो आश्चर्यचकित होने वाली है। अगर ऐसा है तो उसका मतलब वहां पर आश्चर्यचकित कौन हो रहा है, हम हो रहे हैं ना। यहाँ पे वी वांटेड की बात की जा रही है। सो वी कैन से वी वांटेड, क्या वांटेड हुए, हाउ दे वुड गेट ऑन द ट्रेन, मतलब हम ये देख आश्चर्यचकित हो कि कैसे वो ट्रेन पर चढ़े। सो वी वांटेड हाउ दे वुड गेट ऑन द ट्रेन। आखिरी है, बट द ट्रेन केयरफुली दे बॉर्डेड वेरी। कई बार ऐसा होता है सेंटेंस, हम जब बट का इस्तेमाल देखते हैं तो हमें लगता है कि जो बट होगा वो बीच में ही आएगा या फिर लास्ट में कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार जो सेंटेंस होता है उस तरीके से डिजाइन किया होता है कि वो चीजें हमारी स्टार्टिंग में ही आ जाती है। और ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर भी हुआ, बट का यूज पहले किया जाएगा। इसका मतलब बट वॉट, बट दे बॉर्डेड किसे, द ट्रेन वेरी केयरफुली, लेकिन वे बॉर्डेड हुए बहुत सावधानी से ट्रेन, बट दे बॉर्डेड द ट्रेन वेरी केयरफुली। सो ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये हमारा सेकंड आ गया, थर्ड आ गया ये, ठीक है, बट सॉरी ये हमारा सेकंड है। ठीक है, बट के बाद दे आएगा, ये हमारा थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ। सो इस तरीके से हमारा रीअरेंज हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी सभी बच्चों ने चार में से चार ही लाए होंगे, कम कोई नहीं लिख रहा होगा। और लाना भी मत, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो दिक्कत क्यों आ रही है। दिक्कत आ रही है तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको जवाब देंगे ना और बेहतर से समझाएंगे, हम हैं किस लिए यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ये ध्यान देना बच्चों कि जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना, सैंपल पेपर का मतलब हो गया एक सैंपल दिखा देना कि आपका एग्जाम कुछ इस तरीके से आएगा। जरूरी नहीं कि ये ही आएगा, चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन आ सके, बट एग्जैक्टली 100% दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी से इट इज सैंपल पेपर, नॉट एक्चुअल पेपर। ठीक है, सो कीप इन दिस माइंड। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिटरेचर। अब लिटरेचर इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगा। व्हाई, व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बीइंग क्योंकि ये आपको खुद करना है। आपने जो कहानियां पढ़ी है, जो चैप्टर पढ़े हैं, बस उसी के बेस पर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स गिवन है, लेकिन हमें देने कितने, हमें देने केवल 6 क्वेश्चन के आंसर। और कितने शब्दों में देने, केवल 4 ही शब्दों में देने हैं, तो ज्यादा शब्द भी नहीं है, तो इसलिए आप दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से क्वेश्चन 6 है ना, सॉरी क्वेश्चन 6 हमें देने, 5 है, माफी चाहूंगा, केवल 5 देने। सातवां ये क्या है,
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स, यानी कि 120 से 150 शब्दों में आपको इनमें से कोई एक उठा लेना है और उसका जवाब देना है। सो कुछ दिक्कत नहीं है अगर आपने पढ़ रखा है कैरेक्टर के बारे में, चीजों को समझ रखा है, सो आसानी से आप बनाना शुरू कर दोगे। सबसे दिक्कत कहाँ आती है? सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा टेंस, थोड़ी वर्ड मीनिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पूछा गया है उसके बारे में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब इजिली हम सेंटेंस को फॉर्मेट कर पाएंगे अपने लैंग्वेज में। सो ये था आपका सैम्पल पेपर इंग्लिश का, जिसे जितना समझाने की मैंने कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया हो बच्चों। सो घबराने की जरूरत नहीं है, आसान पेपर था, पहले की तरह ही आया है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, और आप आसानी से पास हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पास तो हर कोई हो जाता है ना, मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट होता है और आपको वही करना भी है। सो ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहा कीजिए। खुश होना बहुत जरूरी है अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद।